नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल लर्न्स मैजिक में। हम इस वीडियो के माध्यम से फिंगर अवेकस सीख रहे हैं। अभी तक हमने फिंगर अवेकस के स्मॉल फ्रेंड एंड बिग फ्रेंड को सीखे हैं, जैसे कि स्मॉल फ्रेंड 5 होता है और बिग फ्रेंड 10 होता है, ये तो सीख चुके हैं। आज हम कॉम्बिनेशन वाला सीखेंगे, मतलब हमारे व्यूअर्स ने हमें यह कमेंट किए थे कि +5 एंड -5 का कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अभी तक +5 एंड -5 का कॉन्सेप्ट हम लोग इसलिए नहीं किए थे क्योंकि +5 एंड -5 का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉम्बिनेशन वाला होता है, ना तो वो ओनली स्मॉल फ्रेंड है और ना ही ओनली बिग फ्रेंड है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है +5 और -5 करने के लिए। जैसे ऐसे अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, 0 है, तब तो हम +5 निकाल लेंगे, ठीक। या अगर 9 निकला हुआ है और हमें -5 करना है तो हम -5 कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास 9 हम पहले ही निकाल चुके हैं, अब हमें इसमें +5 करना है, तब हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हमें कॉम्बिनेशन का हेल्प लेना होगा। और अगर हमारे पास फिंगर एक भी नहीं है, मतलब राइट हैंड में 0 है, उसके बाद भी हमें अगर -5 करना है, तब हम -5 कैसे करेंगे? या फिर तो अगर हमारे पास 4 फिंगर है, अब हमें -5 करना है, तब हम माइनस कैसे करेंगे? तो यही कॉम्बिनेशन होता है। ये इस तरह के जो सम होते हैं वो कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो चलिए आज सबसे पहले +5 और -5 के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हमें +5 चाहिए और हमारे पास फिंगर अवेलेबल नहीं है, तब हम क्या करेंगे? उसके लिए -5 प्लस में 10 करेंगे। ठीक है, मतलब राइट हैंड में -5 करेंगे, लेफ्ट हैंड में प्लस में 10 करेंगे। और अगर हमें -5 निकाल करना है, अगर हमें -5 करना है और हमारे पास फिंगर अवेलेबल नहीं है, तब हम क्या करेंगे? ऐसे में +5 माइनस में 10 करेंगे। तो चलिए इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि इस सब को हम ले लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? 7। तो राइट हैंड में हम 7 निकाल लेते हैं, 5 6 7 +5। अब हमें +5 करना है, तो बोले +5 कैसे करेंगे? अब हमारे पास तो ओनली 2 फिंगर है ना, जिसे कि हम निकाल सकते हैं, मतलब कि इसमें +2 होगा, तो ये तो होगा नहीं। हमें 5 निकालना है, 5 ऑलरेडी निकल चुका है, तो इसके लिए हमें कॉम्बिनेशन में जाना होगा। तो +5 का क्या कॉम्बिनेशन है? +5 का कॉम्बिनेशन है -5 प्लस में 10। तो हम -5 कर देते हैं, -5 प्लस में 10। ठीक है, और इसके बाद है +5। अब हमें फिर से +5 करना है, तब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, सिंपल ही। अब तो हमारे पास फिंगर है ना अवेलेबल, अब हम 5 निकाल लेते हैं, हो गया +5। 5 निकाल लिए, +5 हो गया, तो आंसर कितना आया? 10 5 6 7 17। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 8। 8 प्लस 8 प्लस 5। तो पहले हम 8 निकाल लेते हैं। 8 कैसे निकालते हैं? राइट हैंड में 5 6 7 8। ठीक, अब इस 8 में हमें +8 करना है। अब +8 कैसे करते हैं? जब हम बिग फ्रेंड के फॉर्मूला को सॉल्व कर रहे थे, उसी फॉर्मूला में हमने +8 और -8 निकालने के लिए सीखे थे। तो +8 का क्या फॉर्मूला था? -2 प्लस में 10 था ना, +5। अब +5 करना है, +5 जो कि यहाँ तो पहले से ही 5 निकाल दिए हैं, इसके बाद भी हमें +5 करना है, तब हम उसके लिए क्या करेंगे?
प्लस 5 के कॉन्सेप्ट में जाएंगे। ये कॉम्बिनेशन है, मतलब ये स्मॉल फ्रेंड से भी नहीं बनेगा और ओनली बिग फ्रेंड से भी नहीं बनेगा, दोनों को मिला के ही बनता है। जैसे 5 हमारा स्मॉल फ्रेंड है ना और 10 बिग फ्रेंड है, लेकिन हम इसमें स्मॉल फ्रेंड को माइनस करते हैं, बिग फ्रेंड को अप करते हैं, ठीक है। तब इसका क्या फॉर्मूला है, प्लस 5 का माइनस 5 प्लस में 10। तो हम पहले माइनस 5 कर देंगे प्लस में 10 कर देंगे, आंसर कितना आया 10, 21। ये तो कॉम्बिनेशन था प्लस 5 और माइनस 5 का। जिन लोगों ने अभी तक हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं, उन्हें ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, सो प्लीज आप पहले पुराने वीडियोस को देख लें, लिस्ट में है, आप उसे एक बार वॉच कर लें, ठीक है, तभी आपको यहाँ तक समझ में आएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और भी लोगों तक शेयर करें। तो ये तो हमने कॉम्बिनेशन वाले सम को सॉल्व किए हैं। अब आप लोग स्मॉल फ्रेंड बिग फ्रेंड दोनों ही आपका कंप्लीट हो चुका है, अब आपको हमारे दिए हुए क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, अब आप लोग उससे जुड़े हुए क्वेश्चन को खुद भी तैयार कर सकते हैं और उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे व्यूअर्स ने नंबर की मांग की थी कि उन्हें किसी चीज़ की अगर प्रॉब्लम हो, समझने में कहीं परेशानी हो, तो वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सके, तो उनके लिए यह एक नंबर है जिसमें कि वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर अवेकस फिंगर अवेकस में लगे या आपको समझने में दिक्कत हो, तो आप हमारा इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, और आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप ये नंबर यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर तो हम इस नंबर को डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। धन्यवाद।